जमशेदपुर गए तो वहां पे कहते हैं हेमंत को बड़ा टिकट सूत्र गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं और उनको गिरफ्तार किया गया उनको वोट देंगे तो फिर जेल में नहीं जाना पड़ेगा और उसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर वोट देंगे आप बीजेपी को वोट देंगे तो हम लोग जेल में जाएंगे सभी लोग नहीं देंगे। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और अंतरिम राह पर वो भी कंडीशनल बेल लेकर आए हैं तब से जग हसाई हो रही है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। एक भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में था, जिसका उप मुख्यमंत्री, जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री सब जेल में है और खुद जेल में था, अब दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं कि अगर वोट डालोगे तो मुझे रिहाई मिलेगी। अरे भाई, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे और हंस हंस के का खुशी मनाई उन्होंने। और ये जाके हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, जो एक और भ्रष्टाचार के चक्कर में, जो रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर भी जिनकी नजरें रहती हैं, कांग्रेस रक्षा सौदे में दलाली खाती थी, ये उनके भ्रष्टाचार की बात करते करते राजनीति में आए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। और ये ज्ञान बांटना बंद करें, 2 तारीख का इंतजार करें, फिर जेल इनको जाना होगा और कोर्ट में बताना होगा आखिरकार शराब में दलाली क्यों खाई, शराब घोटाला क्यों किया।